नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। इमली, इमली का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि खाने में इतनी चटपटी होती है। और फिर आयुर्वेद क्या कहता है इमली के बारे में, ज़रा इसको भी देख लें ताकि इमली का पूरा फ़ायदा हम ले सकें। क्योंकि कई बार घर में चीज़ पड़ी होती है लेकिन हम बीमार होते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम का हल समाधान पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ अगर इंसान रोज़ाना एक एक चीज़ को सीखता जाए जो अपने किचन में प्रयोग होती है, तो देर सवेर उसको ऐसी समझ आ जाती है कि छोटी मोटी बीमारी के लिए उसे घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। तो इमली के बारे में मैं आपको बता दूं कि इमली थोड़ी मात्रा में यदि ली जाए तो ये भूख बढ़ाती है, रुचिवर्धक है, पाचक भी है। अगर ये इमली की मात्रा हम एक्सेस लें, ज़्यादा लें, स्वास स्वाद में ज़्यादा ले लें, तो यही इमली भूख को घटा देती है, भूख मार देती है। अगली बार उस वक्त तो स्वास स्वाद में आप ज़्यादा खा गए, खाना भी उस वक्त ज़्यादा खाया जाएगा, लेकिन अगली बार से भूख थोड़ी कम हो जाएगी। ये है इमली का गुण और ये है इसका एक नुकसान। इमली जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी ये वायु को और पित्त को बढ़ाएगी। यानी शरीर में कईयों को वायु ज़्यादा रहती है या पित्त गर्मी शरीर में पहले से ही ज़्यादा है, तो पुरानी इमली का प्रयोग ना करें। पित्त के लिए इमली अच्छी है, पित्त रोगों में गर्मी जिनको ज़्यादा लगती है या शरीर में गर्मी है लिवर आदि में, तो उसमें इमली मना नहीं है। लेकिन एक तो इमली फ्रेश हो, इसी सीज़न की हो, बहुत पुरानी पड़ी हुई अंदर से ना निकालो। दूसरी बात, पित्त वाले रोगी जिनके अंदर गर्मी है वो लोग यदि इमली लें तो इमली में थोड़ी शक्कर मिला लें। इमली की चटनी पीने लगे, खाने लगे हो या इमली की कोई चीज़ बनाने लगे हो तो उसमें थोड़ा शक्कर इमली के साथ मिक्स होनी चाहिए। अकेली इमली जो है पित्त रोगियों को नहीं देते। इसके अलावा इमली की जो आप घर में चटनी बनाते हैं तो इमली की शरबत भी बन जाता है। इमली का शरबत, जैसे इमली की चटनी ली थोड़ी सी, उसमें थोड़ा मिश्री डाली, थोड़ा उसमें पानी डाला, उसमें नमक आदि डाल करके वो एक शरबत बन जाता है। ये शरबत भी गर्मी दूर करता है, थोड़ी मात्रा में यदि पी लिया जाए तो भूख लगाता है, रुचिकारक है, पाचक भी है और कब्ज भी दूर करता है। इमली का शरबत बच्चे पी सकते हैं, बड़े पी सकते हैं, थोड़ी मात्रा में गर्मी के दिनों में कभी कभार के लिए अच्छा है। इमली के शरबत के अलावा इमली का जैसे कांजी बनती है इमली की, तो जब किसी को कोई नशा चढ़ा हो, किसी ने ड्रिंक ज़्यादा कर ली हो या भांग का नशा है किसी को, ऐसा कई बार नशा हो जाता है, तो उस नशे को दूर करने के लिए इमली का जो घोल है, जो कांजी होगी, वो पिला देने से नशा उतर जाता है। इमली के नशा उतारने में भी काम आ जाएगी। फिर इसके अलावा इमली की चटनी या इमली का घोल अगर आपके पास जैसे बच जाता है, इमली की चटनी बना के नीचे फोक बच जाता है, तो वो फोक से तो बर्तन मांझ लो, चाहे बर्तन पे इमली की चटनी लगा के रख दो ना, तांबे का या पीतल का, तो बड़ी जल्दी 2-4 मिनट में बिना हाथ मारे ही चमक जाता है इमली की चटनी से। इमली के इतने फायदे हैं खाने से लेकर लगाने तक। लगाने से ही मुझे याद आया कि अगर किसी को सूजन हो गई हो पैरों में, अक्सर महिलाओं को सूजन हो जाती है टांगों के नीचे कईयों को, तो पैर स्वेल कर जाते हैं या कहीं भी शरीर में सूजन है, तो इमली की चटनी, इमली का घोल बना के वहाँ गाढ़ा गाढ़ा वहाँ लगा दिया जाए 1 घंटा। रात के समय जब घर आते हैं या महिलाएं रात को सब काम करके थक जाती हैं, बैठती हैं तो पैर सूजे होते हैं, तो उस स्थिति में ही रात को इमली लगा के 1/2 घंटा 1/4 घंटा आराम से बैठ जाएं, तो टांगे ऊपर करके, टांगे लटका के नहीं, टांगे ऊपर करके, तो ये सूजन भी उतार देती है इमली की चटनी। इमली से और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। इमली के बीज को पीस करके यदि रगड़ दिया जाए उस जगह पे, उस लेप को, तो जहाँ किसी ने अगर कहीं मकड़ी ने काटा है, ततैये ने काटा है, तो वो रगड़ने से 2-4 मिनट उसका भी जो असर है वो कम होता है कीड़े का। इसके अलावा इमली जो है वो आप जितना हो सके लिमिट में लें। हालांकि इमली जो है, इमली का लेप ये सूजन के साथ साथ दर्द भी थोड़ी खींच लेता है। अगर दर्द भी थोड़ी बहुत कहीं हो रही हो तो कहीं कहीं काम आ जाता है इसका लेप। आप कई लोग सोचते होंगे खट्टी चीज़ें मुझे मना किए हैं क्योंकि मेरे को दर्दें हो जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं इमली आपके लिए अच्छी है। लेकिन अगर आपको दर्दें होती हैं तो पक्की हुई इमली, एक होती कच्ची इमली जो आप अक्सर किराना के दुकान से लाते हैं, एक होती पक्की हुई इमली एकदम तैयार, वो मीठी होती है थोड़ी और वो फलों वाली दुकानों से मिलती है ज़्यादातर, तो वो जो इमली है वो वात रोगी भी ले सकते हैं जिनको दर्दें रहती हैं शरीर में, तो वो भी थोड़ी मात्रा में वो पकी हुई इमली का सेवन कर सकते हैं। इमली को आप अगर ढंग से प्रयोग करें तो ये आपके लिए वरदान है। अगर आप इसको एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस में यानी ज़्यादा खा गया कोई व्यक्ति, इमली के ऊपर कोई दूसरा खट्टा मिक्स कर दिया,
जैसे कोई बार इमली भी ले रहे हैं, टमाटर की चटनी भी ले रहे हैं, नींबू की चटनी भी ले रहे हैं, अलग अलग तरह के खट्टे मिक्स करने भी गलत होता है। एक टाइम पे एक खट्टा लो, अगर इमली ले रहे हो तो दही ना लो, दही और इमली मिक्स करके कई लोग लेते हैं, तो ये भी एक गलत है कॉम्बिनेशन, ये स्किन प्रॉब्लम करेगा। ज़्यादातर कमज़ोर बच्चे होते हैं, टॉन्सिल हैं, गला ख़राब है, या कमज़ोर व्यक्ति जो है उसको इमली कम खानी चाहिए, क्योंकि कच्ची इमली से और कमज़ोर व्यक्ति को इमली खाने से कई बार गला भी पकड़ा जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें अगर हर किसी को पता हो अपने घर में, तो वही चीज़ है जिसके बारे में हमें कभी नॉलेज नहीं थी, तो हम सिर्फ उसे यही समझते थे शायद ये चटनी के काम आती है, लेकिन अगर समझ आ जाए कि इतनी सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं, तो हम बिना झिझके इस पर काम कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।